दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा इन्हीं दौर से गुजरते रहते हैं। ना हमेशा अच्छा हो सकता है और ना हमेशा बुरा ही हो सकता है, और इसी का नाम जीवन है। कभी हानि तो कभी लाभ, कभी दुख कभी सुख, कभी कुछ तो कभी कुछ। दोस्तों, हम अपने जीवन में संघर्ष के दौर से हमेशा गुजरते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि अभी क्या बुरा होने वाला है और कहीं स्वप्न आ गया, तो शायद वो आपको बताने के लिए आया हो कि आप सतर्क हो जाएं, ऐसा कार्य ना करें। लेकिन अगर हम बेखबर हैं सपनों से, तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप भी सपनों के माध्यम से अपने निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आपकी भी कामना है जानने की, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर समाचार जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंवले की। अगर स्वप्न में आपने आंवला देखा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? वैसे दोस्तों, आंवला जो है ये बहुत अच्छा फल माना जाता है। आंवला इतना गुणकारी है कि आपके नाखून से लेकर बाल तक सभी अंगों की देखरेख करता है। दोस्तों, और कोई फल दूध के साथ नहीं खाया जा सकता है जो बहुत मीठा हो। आम भी बहुत मीठा हो तो ही दूध के साथ लेना चाहिए, लेकिन आंवला एक ऐसा फल है जिसे हम खट्टा होते हुए भी दूध के साथ ले सकते हैं। जी हाँ, आंवले का मुरब्बा हुआ, आंवले का चूर्ण हुआ। लेकिन दोस्तों, अपने डाइट में आप जरूर शामिल करिए आंवला को किसी ना किसी रूप से। आपकी आँख, आपके बाल, आपके नाखून, आपका पेट, आपका एक एक अंग खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सपनों की बात करें तो अगर स्वप्न में आपने आंवला देखा है और किसी को या खुद को खाते हुए देखा है, तो दोस्तों तो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह जागृति अवस्था में आंवला खाने से बहुत सारे लाभ हैं, वैसे दोस्तों अगर सपने में भी आंवला आ गया है तो ये हमें बहुत सारे लाभ पहुंचाने वाले हैं। आपकी मनोकामना अधिकाधिक जो भी हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। आपके जीवन में भी शांति बनी रहने वाली है, अभी सुख का आगमन होने वाला है। हर तरह से आंवला का स्वप्न आपके जीवन में मंगल ही मंगल करने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा स्वप्न में आंवला देखने की शुभ जो जानकारी, वो हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सपने क्या फल देते हैं, तो आप भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत